YouTube चैनल क्रिएट कर लिया, उस पर ग्रोथ करने के तरीके जान लिए, ये भी पता कर लिए क्या क्या करना है, पर कैसे करना है ये तो खुद ही प्रैक्टिस करके जानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। थ्योरी तो हर कोई समझ लेता है, बट एक्चुअल जो समझ में आता है वो चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल करने का मज़ा ही अलग है। तो अब क्या होता है, कई लोगों का ऐसा होता है कि वीडियो बनाने के लिए बड़े कैमरे के सामने खड़े हो जाते हैं, अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार की है, अच्छे से पंच लाइन तैयार की है, बहुत अच्छे से मतलब एकदम स्ट्रांग बन के आगे कैमरे के सामने खड़े हुए हैं, और जैसे ही कैमरा ऑन किया पूरी हवा निकल जाती है पीछे से, फुस हो जाता है, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाता है कि यार अब क्या बोलूँ, लाइन याद है, एक लाइन बोल दी और झिझक गए कहीं से, कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, जो चीज़ हम बोलना चाहते हैं, जो मन में सोचा है कि इस तरह से बोलेंगे पर वैसा बोल नहीं पाते। तो आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि हाउ टू फेस कैमरा कॉन्फिडेंटली, कि आप अपने फ़ोन के कैमरे को कॉन्फिडेंटली कैसे फेस कर सकते हो। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अब ये करना कैसे, तो इसको मैं मतलब ये काफ़ी लंबा हो जाता है, बट मैंने इसको तीन पार्टों में डिवाइड कर लिया। मैं चलो तीन पॉइंट में समझा देता हूँ छोटा करके, कि आपको मेन मेन पॉइंट समझा दूँ और आपको समझ में भी आएंगे। तो चलो पढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फनटेक। मैं हूं अमन और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के कैमरे को कॉन्फिडेंटली कैसे फेस कर सकते हो, जहां आप बिना लड़खड़ाए झिझकचाए हिचकिचाए अपने वीडियो कैमरे को फेस कर सकते हो और अपने बात को अच्छे से प्रॉपरली समझा सकते हो। सो पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले किताबें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। हालांकि बचपन में बहुत किताबें पढ़ी होंगी, अभी भी पढ़ रहे होगे, लेकिन क्या होगा, किताबें पढ़ते पढ़ते आपने मन में पढ़ी होंगी, हाँ भाई ये भी है राम लक्ष्मण, मन में पढ़ रहे हैं आराम से। लेकिन अब क्या करना है, आपको वही चीज़ बोल बोल के पढ़नी है, बोल बोल वोकल्स में पढ़नी है, कि भाई एक एक वर्ड को क्लियरली बोलना है। पहले धीरे धीरे पढ़ना है, फिर कोशिश करनी उस चीज़ को स्पीड में पढ़ें, फिर कोशिश करनी कि उसको पहले पढ़ लिया फिर एक दो बार छुपा के रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी करना है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको बुक्स पढ़नी है, जहाँ पे आपके ज़बान को मतलब जो है बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे वो अच्छे से बोल पाएगा, कि आप किसी भी वर्ड को याद रखोगे और झिझकचाओगे नहीं, जो भी आपने सोचा है उसको अच्छे से बोल पाओगे। पॉइंट नंबर टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले दोस्त बनाना है एक, और वो दोस्त अपने आप को बनाओ ज़्यादा बेटर है, ठीक है। शीशा लो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, और शीशे में जो बंदा ना, जो बंदा शीशे में ना, उसको एज अ बॉस समझो, अपने आप को एम्प्लॉय समझो, और अपने टॉपिक को उसको समझाओ कि भाई मेरा ऐसा ऐसा टॉपिक है और मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो उस चीज़ को वीडियो में एक्सप्लेन करो, और अच्छे से एक्सप्लेन करो, और कोशिश करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक ना लेने पड़े, अच्छे से समझाओ, और हो सके तो उस चीज़ को रिकॉर्ड करो वीडियो में और इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डालो भाई, क्योंकि पता है लोगों को अच्छा लगता है ये चीज़ें देखना, कि भाई सामने वाला बंदा कुछ कर रहा है। आप उसके लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हो, जो आपकी जगह पर आज है या कल को होने वाला है, वो आपकी इस मेहनत को देखेगा, समझेगा, उसको भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, और भाई वो आपको फॉलो भी करेगा। पॉइंट नंबर थ्री, अब क्या करना है, आपको ये पेंसिल लेनी है, मतलब ये पेंसिल या पेन कुछ भी लेना, उसको अपने इस तरह से दबाना, और जो भी आपका टॉपिक या कुछ भी जो आपकी रीडिंग रीडिंग है बुक वगैरह है, उसको पढ़ना है, और कोशिश करना है कि तेज़ तेज़ पढ़ो, ठीक है। जब इसको आप जबान में रखोगे और बोलने की कोशिश करोगे, तो जो भी आप तेज़ बोलोगे वो भी हल्का हो जाएगा। जैसे अभी मैं भी जो भी चीज़ बोल रहा हूँ उसके लिए मेरे को काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको इससे करना, उसके बाद क्या होगा, ये आपकी वोकल प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आपकी एक एक वर्ड ना क्लियरली निकलेगा, साफ निकलेगा। और आपने देखा होगा ये चीज़ें काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स को मैंने ये ट्राई करते हुए देखा, तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी और मैं ये करता हूँ दिन में, कुछ नहीं एक दो मिनट कर लो, कुछ नहीं जा रहा यार। और जहाँ तक मैं तो कह रहा हूँ, उसका बनाओ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, IGTV डालो, रील्स बनाओ भाई, अपनी इंस्टाग्राम आईडी नीचे कमेंट में डाल देना, मैं आके देखूंगा, फॉलो ज़रूर करूंगा, ठीक है। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके फॉलो कर लेना, देखना, मैंने भी कुछ प्रैक्टिस वीडियोस वहाँ पे डाले हैं। समझ में आए तो फॉलो कर लेना, नहीं आए तो फिर वेट कर लो, आगे अच्छा कॉन्टेंट वहाँ भी पड़ेगा। तो ये है तीन टॉपिक जहाँ पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और लास्ट वाला जो मैंने बताया ना, पेंसिल वाला, ये ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे आपकी वोकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बड़े बड़े एक्टर्स भी करते हैं अपने डायलॉग्स को अच्छे से बोलने के लिए। तो ये तीन टॉपिक्स हैं, अगर इन तीन टॉपिक्स पे अच्छे से वर्क कर लिया ना, तो आपकी बोलने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी,
और अपनी कोई भी बात आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो सामने वाले को। बट इतना है, मन में से झिझक निकाल दो, अपने कैमरे से दोस्ती करना शुरू कर दो, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में। तो गाइस अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए तो आप सिंपली यहाँ आई बटन पर जाके मेरे चैनल पर जाके और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दे जाएगी। आने वाली वीडियोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियो लेटेस्ट नई से नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और जो बंदा सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसको सब्सक्राइब भी करूँगा, सब्सक्राइब बैक करूँगा, सब टू सब नहीं बोलते, मैं उसको सब्सक्राइब जरूर करूँगा। मेरे पास सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जा रहा है, एक पैसा भी नहीं जा रहा, तो भाई वैसे ही आपके पास सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जा रहा है, कर दोगे, दुआएं हैं फिर आपकी। तो गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।